आज बड़ा ही खुशी का दिन है और बहुत अच्छा दिन, क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरी फेवरेट स्टूडेंट श्रेया कौशिक, खास करके इनको बुलाया गया है आज किस चीज को बताने के लिए, नेट के संबंध में, नेट GRF ये लेके देखा है मैंने, बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो ये श्रेया कौशिक से आज हम लोग की बातचीत अभी होगी और ये बताएंगे कि कैसे नेट क्वालिफाई किया जा सकता है और उससे भी पहले नेट होता क्या है, GRF होता क्या है और तमाम वो जानकारियां जो आपको नेट क्वालिफाई करने के लिए और GRF क्वालिफाई करने के लिए जरूरी है। इनके बैकग्राउंड को बताएं, इन्होंने 2017 में ग्रेजुएशन किया पटना वुमेन्स कॉलेज, इसके बाद इन्होंने अपना मास्टर्स किया कोलकाता यूनिवर्सिटी और अभी हाल फिलहाल इस साल में 2020 में इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है और GRF के लिए प्रयासरत है। आइए स्वागत है श्रेया कौशिक, आपसे कुछ एक जानकारियां पहले व्यूअर्स के को अपने विषय में थोड़ी कुछ बताएं। मैं श्रेया कौशिक, मैंने अपना ग्रेजुएशन वीमेन्स कॉलेज से किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भवानीपुर से किया है। सबसे पहले तो मैं चैटर्जी सर को थैंक्स बोलूंगी कि सर ये चीज, ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मतलब यहाँ आके स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाए मेरी तरफ से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने 2014 में अपना 12th सेंट जेवियर से किया है, जिसके दौरान मैं 2 साल तक चैटर्जी सर के गाइडेंस में रही हूँ और अपना 12th बोर्ड दिया। तो सर थैंक यू। और जहाँ तक बात है JRF और UGC नेट की, तो मैं 2020 में अभी क्वालिफाई की हूँ। तमाम जानकारी जो मेरे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का, कॉमन क्वेश्चंस का आज हम रिक्वेस्ट करेंगे श्रेया कौशिक से। पहला क्वेश्चन साधारणतः, व्हाट इज नेट एंड व्हाट इज JRF? सर बेसिकली ये एग्जाम जो है वो PhD करने के लिए होता है, कि जैसे PhD में इनरोलमेंट के लिए और आगे चल के लॉन्ग टर्म गोल है जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए अब गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दी है कि अब PhD करना ही होगा किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए। तो जब आप उस करियर में जा रहे हो तो ये जरूरी है कि आपके पास हर एक वो एलिजिबिलिटी हो जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है, आपको नेट क्लियर करने पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो मिल जाएंगे, लेकिन जब आगे आपको और अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा तो फिर PhD ना होने के चलते आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये बस वही PhD करने के लिए आपको उसमें एनरोल करने के लिए आपको JRF क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से फेलोशिप मिलती है और आपका जितना भी फाइनेंशियल जरूरत है वो फेलोशिप से पूरी हो जाएगी। वो अप्रॉक्स आपको 40,000 ईयर, 31,000 आपका ये बेसिक रहेगा और 8,000 अप्रॉक्स आपका HR, ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा आपकी PhD पूरी करने के लिए। तो वो उसमें एक सब डिविजन है, जो टॉप 1% रैंकर है उन्हें JRF मिलता है और जो पूरे एग्जाम में टॉप 6% रैंकर है उन्हें नेट LS मिलता है, लेक्चरशिप। तो बस यही है कि आपको JRF के लिए ही प्रिपेयर करना है। LS तो ठीक है, आपका निकल गया तो बहुत अच्छी बात है। LS का मतलब पूरा लेक्चरशिप, जिसके अगर आपका वो क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल तो हो जाएंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी प्राइवेट कॉलेज, आप तो प्राइवेट में ही कर सकते हैं, तो आपको वहां पे रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो वहां पे आपको मतलब इंटरव्यू पैनल में जब कोई भी एक पर्सन PhD होगा तो वहां उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा कि अच्छा ये PhD कर रखा है इन्होंने तो इन्हें ज्यादा प्रेफरेंस दे वहां रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसीलिए अब मेरा तो नेट क्लियर हो गया है, लेकिन आगे जाके फिर मुझे JRF भी करना है क्योंकि मुझे फाइनेंशियली एक सपोर्ट चाहिए कि आगे जब भी मैं PhD के लिए जाऊं तो मुझे अपने मम्मी या पापा से फाइनेंशियल हेल्प ना लेना हो कि अब हाँ एक एक चीज के लिए, तो उस चीज के लिए JRF के लिए आप प्रिपेयर करो। ये नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा? नेट के लिए एलिजिबिलिटी है आपका मास्टर्स होना चाहिए और मास्टर्स में भी 55% आपको मार्क्स होने ही चाहिए और आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। आजकल की यूनिवर्सिटीज में ये चीज बहुत ज्यादा चल रहा है कि हैंडबुक ले लो या गाइड ले लो, तो चलो ठीक है उस टाइम तो आप पास कर जाओगे वो एग्जाम वो गाइड या हैंडबुक से प्रिपेयर करके, लेकिन आगे जब आप जाओगे तो एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे
तो आप कैसे क्लियर करोगे कि वहां पे जाके हैंडबुक काम नहीं आएगा, आपको वो प्रॉपर बुक से पढ़ा हुआ एक एक कॉन्सेप्ट समझा हुआ, ये चीज ज्यादा वहां हेल्प करेगा। तो यही आपका एलिजिबिलिटी तो जो है मतलब 55% है कि आपको होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स, हाँ मास्टर्स में, और लेकिन साथ में उसके साथ उसका कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब है 11-12 से लेकर अप टू पीजी, बहुत अच्छा है। 11-12 से लेकर पीजी तक की कॉन्सेप्चुअल जानकारी आपकी होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर के संबंध में। हाँ सर, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो पहले टेक्सुअल पूछता था कि चलो ठीक है ये मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं रहता था क्वेश्चन, और आजकल ऐसा क्वेश्चन देंगे वो लोग कि आपको आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, वो एक सिचुएशन में डाल देंगे और तब बोलेंगे कि हाँ इसका आंसर दीजिए। तो उस टाइम पे आपको ये नहीं कि रट्टा मारा हुआ चीज ऐसा याद रखने का, ये चीज नहीं होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी आ रहा है जो नेट के लिए खास करके आपके व्यूअर्स जानना पसंद करेंगे? हाँ, जैसे आपका पेपर वन है टीचिंग एप्टीट्यूड, वहाँ पूछा जाता है कि आप टीचर्स के लिए क्या होना चाहिए, नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर लर्नर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो वो जब तक आप उसके इनडेप्थ नहीं जाएगा, और एनटीए की तरफ से नहीं सोचेगा कि एनटीए ये क्वेश्चन का आंसर ये दे सकता है, तो वो क्वेश्चन का आंसर उसको वहां पे एनटीए की तरफ से सोच रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ ये पॉइंट्स याद कर लिया कि होगा, वो कंसेप्ट देगा कि आप ये ऐसे सिचुएशन में है क्लास में और आपके साथ ये घटनाएं हो रही है, तो अब आपका क्या रिएक्शन होगा, तो वो चीज वहां पे काम आता है। इसका मतलब ये बेहद इंटरेस्टिंग भी होता है। हाँ बहुत अच्छा। क्या एज लिमिट आपको होता है नेट या जीआरएफ के लिए, व्यूअर्स जानना चाहेंगे? हाँ, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है, आप जब चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जीआरएफ लेने के लिए एज लिमिट होता है अप टू 30 इयर्स ऑफ एज तक, आपको आप ट्राई करते रहो, अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छा है, तो आपको लेकिन क्लियर करने के विद इन 2 ईयर्स आप पीएचडी में अगर एडमिशन ले लेते हो तो ही आपको वो आपका जो फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल जो भी सपोर्ट रहेगा वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, और अगर 2 ईयर्स का टाइम लैप्स हो जाता है तो फिर आपको वहां से फिर नहीं हो पाएगा, फिर वो हेल्प नहीं। जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद 2 ईयर्स, हाँ उसके बाद 2 ईयर्स के अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन ले, अरे जीआरएफ 30 ईयर्स तक आप अटेम्प्ट करते जा सकते हैं। बहुत अच्छा। ठीक, एग्जामिनेशन फी के विषय में भी लोग पूछना चाहते हैं, नेट का एग्जामिनेशन फी क्या होता है, जीआरएफ का क्या होता है, अलग अलग अगर सर फी ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फॉर्म आएगा, उसमें आप ऑप्शन है कि आप एलएस भरना चाहते हैं या जीआरएफ, यानी लेक्चरशिप के लिए, लेक्चरशिप के लिए नेट, हाँ नेट नेट, और जैसे उसमें ऑप्शन रहता है जीआरएफ एंड लेक्चरशिप, वो दोनों ऑप्शन पे आप क्लिक करिए, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, वही क्वेश्चन पेपर होगा, सेम अमाउंट आपको एप्लीकेशन फॉर्म में भी लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, और एप्लीकेशन फॉर्म का प्राइस होता है 1000 रुपीज, और अगर आप साइड से ट्यूशन या कोचिंग या कोई सपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो वो फिर आपको टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कितना फीस चार्ज करते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होती है, बड़ा वाइटल एक चीज हम लोग पूछे, एग्जामिनेशन पैटर्न के विषय में आश्रिया कौशिक जानकारी दें। सर उसमें पेपर वन होता है और पेपर टू होता है, पेपर वन में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, पीपल एंड डेवलपमेंट, डीआई, उसके बाद आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब टाइप के सारे मतलब इन ऑल आपका एक बेसिक एबिलिटी चेक किया जाता है कि आपके पास है बेसिक नॉलेज या नहीं, कि आप मतलब आगे रिसर्च कर सकते हैं या आपको मैथ्स की कितनी जानकारी है, बट ये उतना भी टफ लेवल का नहीं होता है, पेपर वन बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पेपर टू जो आपका खुद का सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल जो भी है आपका, तो उस चीज में ज्यादा ध्यान दे देते हैं, और पेपर वन में सोचते हैं अच्छा ठीक है ये एक महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पेपर वन ज्यादा स्कोरिंग होता है और उतना ही मार्क्स आपको वो भी देगा और उतना ही वो भी देगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत, और पेपर वन 100 मार्क्स का होता है, पेपर टू आपका 200 मार्क्स का होता है। तो पेपर वन होता है आपको जनरल जो क्वेश्चन जो आपका जनरल क्वेश्चन आपको टीचिंग से पूछा जाएगा, टीचिंग कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आगे चल के आप सिलेबस क्या होता है, फिर सिलेबस पेपर वन का सिलेबस जानना चाहेंगे सर, तो यूनिट वन होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद रिसर्च होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद आपका पीपल एंड डेवलपमेंट होता है, डीआई, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं,
उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग जो बहुत नया है आजकल, उसके बहुत नए नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पूरा हिंदुइज्म एंड वैदिक कल्चर से रिलेटेड आप क्वेश्चंस आने लगे उस पर, तो हिंदुइज्म एंड वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर से वो अलर्ट थोड़ा नया हो जाता है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और आपका पेपर टू का सिलेबस क्या होता है? पेपर टू का वही जो आप 12th क्लास से लेके अभी मास्टर्स लेवल तक पढ़ रहे उतना पूरा सिलेबस रहेगा, लेकिन इतना डीप में नहीं। आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मतलब पूरा इन ऑल होना चाहिए, ये नहीं कि आप एकदम सीए लेवल का एकदम डीपली स्टडी कर रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। थ्योरेटिकल जानकारी व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे कि किस लेवल की जानकारी फिर होनी चाहिए, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। जैसे आप अकाउंट्स में पार्टनरशिप पढ़ते हो तो उसमें पार्टनरशिप जो रेशियोज वगैरह कैलकुलेट होते हैं स्टार्टिंग में, कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होना चाहिए, गेनिंग रेशियो, गुडविल कैलकुलेशन, ये सब चीज आपको आने चाहिए, क्योंकि ये सब चीज पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और आपका फिर ये इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, उसमें आप मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आपका क्या क्या होता है, वो बीएस पार्ट से BS, तो क्या इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन है? इकोनॉमिक्स भी एक यूनिट है, बेसिक इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने निश्चित रूप से 11th 12th में पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो नहीं है सिलेबस में, सिर्फ माइक्रो, माइक्रो है। और उसके बाद आपका फिर हो गया क्या, टैक्स, टैक्स से भी रिलेटेड, तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट भी रहता है और इनडायरेक्ट भी रहता है। इनडायरेक्ट रहता है वो आपका लीगल एस्पेक्ट में आता है, जीएसटी वगैरह जितना है, और डायरेक्ट टैक्स आपका होता है जो लास्ट हाउस प्रॉपर्टी सैलरी ये सब सब रहता है। इसका मतलब है जेआरएफ के लिए या नेट के लिए तैयारी चाहिए तो आपको शुरुआत से अच्छी तैयारी होनी चाहिए। लास्ट एक क्वेश्चन है, क्वालिफाइंग मार्क्स हम लोग को बताइए कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, नेट का क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, पेपर वाइज है या ओवरऑल मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है और जेआरएफ का भी? हाँ, आपको 40% तो होना ही चाहिए दोनों पेपर में, दोनों पेपर में मिनिमम 40% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आपका पेपर वन में 80 मार्क्स हो गया और पेपर टू में 33 ही रह गया तो वो आपका नहीं होगा क्वालिफाई, लेकिन आपका 40 दोनों में है और पेपर वन में 80 है और पेपर टू में 120 है, तो आपका कहीं ना कहीं अगर उस तरह का कट ऑफ निकलता है कि हर साल का कट ऑफ अलग अलग रहता है, अगर आपका कट ऑफ मान लीजिए इस बार का 99.18% था मेरे टाइम का और मेरा था 98.18, तो मेरा एलएस तो हो गया जो कि एलएस का कट ऑफ था 95.16% आई, और मेरा मतलब 98.1 था तो एलएस से काफी ज्यादा था लेकिन जेआरएफ से थोड़ा सा से चूक गया मेरा, तो वो उस चीज में है कि आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। बट लेकिन हाँ, कॉमर्स वालों में मेरे टीचर्स बोलते हैं कि 70% तो आपको लेके ही चलना चाहिए कि आप उतना स्कोर कर लोगे तो आपको जेआरएफ हो जाए। हम लोग के मन में एक क्वेश्चन और है, आखिर नेट की तैयारी तब कैसे करें और इन्होंने कैसे नेट में सफलता पाई, ये जानकारी हम लोग को श्रेया कौशिक से जानना चाहिए कि आखिर वो क्या सीक्रेट है जो नेट या जेआरएफ के लिए जरूरी है। सर मैंने तो मतलब पहले व्यूअर्स देख के पूछना चाहते हैं, पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी सर सही में, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने एडंकल एक किताब मतलब उसका आता है मार्केट में, पहले उसको रेफर किया, फिर उसके बाद मेरे खुद के भाई बहन अनअकैडमी यूज कर रहे थे तो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लिया सब्सक्रिप्शन, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया। तो मेरे साथ क्या हुआ कि आपका पेपर वन पेपर टू जितने नोट्स थे, जितने मार्क्स, जितने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारी चीज एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और आपके फोन में है। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि आप कल को आप थोड़ा डिस्टर्बेंस भी आपके घर पे या जहां भी, तो आप कहीं भी जाके आपको कोई कॉपी या कोई किताब कैरी नहीं करना होगा कहीं भी, आपके फोन में है, आप वीडियो स्टार्ट करिए, ईयरफोन्स रखिए और बस अलग होके पढ़ लीजिए वहां पे, तो ये चीज सबसे अच्छा था। और अनअकैडमी के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं जिनसे पढ़ रही हूँ वो सर है एक वोडन आला शिवलिंगम, मैंने अपना कॉमर्स पेपर टू जो है उनसे किया और पेपर वन नवदीप कौर मैम है, जिनके बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे, वो तो खैर मतलब यूट्यूब की अपनी ही उनकी एक अलग पहचान है, लोग उन्हें जानते हैं बहुत अच्छे से, तो वो लोग बहुत हेल्प करते हैं इस चीज में कि आप अपना क्लियर कर लो।
तो आपको सारी चीजें एक साथ एक जगह मिल जाती है। तो ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अनअकैडमी पे ही जाइए, बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन मतलब है कोर्सेज, जैसे ग्रेड अप हो गया आपका, बायजूस हो गया आपका, जितना बहुत सारे ऐसे हैं, मैं तो मुझे इतना नाम भी नहीं याद है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार देख लीजिए कि आपको कौन से सूट कर रहा है, आपको किन टीचर से पढ़ना है। बहुत सारे ऑप्शन है अनअकैडमी में, भी सिर्फ ये दो टीचर नहीं है, बहुत अदर ऑप्शन भी है। तो आप एक बार देखिए कि आपको कौन अच्छा लग रहा है, आपकी आपको किन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप वैसा देख के कर सकते हैं। तो वो बहुत इसका मतलब है ऑनलाइन कोचिंग की सहायता लेना वो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि आपका बहुत 12th से लेके और मास्टर्स लेवल तक का, जब आप सारा बुक्स खोल के बैठेगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ। वो इतना इनडेप्थ हो जाएगा कि आपको फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं उसको प्रेफर की थी। अब आप लोग आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार देख लीजिए कि आपको हाँ आपके सबके रिक्वायरमेंट सबके पसंद की अलग अलग हो सकती है, पर किसी ऑनलाइन टीचिंग के प्लेटफॉर्म को आप सिलेक्ट करें जिससे आप बेहतर। चले हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब श्रेया कौशिक ने दिया होगा। बाकी जो भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप चैनल पे आप मेरा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरा फोन नंबर भी उपलब्ध है और जरूर निश्चित रूप से श्रेया कौशिक आपको जवाब देंगे, गाइड करेंगे। हम लोग बेस्ट विशेस इनके JRF क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू मेरे चैनल पे, हम लोग के चैनल पे, हम लोग के साथ इतने देर होने के लिए। वंस अगेन थैंक यू।